हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है फॉक्सिन एलईडी मॉनिटर 39.1 cm वाइड स्क्रीन FM 16 एलईडी पैशन। इसमें लिखा है एक साल का वारंटी है। इसमें स्लीम स्क्रीन है, प्लग एंड प्ले है, रेजोल्यूशन 128p है और 39.1 वाइड स्क्रीन है। और यहाँ पीछे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। ये बॉक्स काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए मेरे मोबाइल के सामने आ नहीं रहा है। इसमें एक मॉनिटर है, एक पावर केबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। एक मॉनिटर है, पावर केबल, VGA केबल और यूज़र मैनुअल, बस ये चार चीज़ें हैं इसके अंदर। और साइड में यहाँ ब्रांड का नाम लिखा हुआ है बालाजी। यहाँ ऊपर भी सेम चीज़ है, फॉक्सिन और ये। और पीछे यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, चलिए हम इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। सबसे पहले निकला ये यूज़र मैनुअल, इसको रख देते हैं साइड में। और क्या निकलता है, ये VGA केबल है यहाँ पर, ये ये पावर केबल है, ये मॉनिटर में कनेक्ट होता है। ये स्टैंड निकला अभी, इसके ऊपर मॉनिटर को रखना होता है, हम यहाँ पर रख देते हैं। अब निकालते हैं मॉनिटर को। ये है फॉक्सिन का मॉनिटर, यहाँ पर दिया हुआ है पावर, डाउन, अप, मेनू, ऑटो। इसका बटन यहाँ पर नहीं है, इसका बटन सारे पीछे हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑटो, मेनू, अप, डाउन, पावर। और जो इसका पावर केबल है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। यहाँ पे अपना आप SD कार्ड लगा सकते हैं, सॉरी केबल लगा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वो जो है VGA केबल के लिए है, यहाँ पे HDMI पोर्ट के लिए ये है। और ये स्टैंड है, बस यहाँ पर स्पीकर दिया हुआ है, छोटा छोटा स्पीकर है जो आप सुन सकते हैं इसमें। इसको हम निकाल के इस स्टैंड में लगा के देखते हैं। ये लॉक है, इसे रखने से मॉनिटर को आप जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। चलिए हम रख के देखते हैं। देखिए ये लॉक हो गया। अब इसे आप रख के भी अपना VGA केबल और पावर केबल लगा के अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर फॉक्सिन लिखा हुआ है, ट्रू पिक्सल, और यहाँ पर इस कोने पे कुछ लोगों हैं यहाँ पर। पीछे देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। पीछे कुछ नहीं है, इस फॉक्सिन का सीरियल नंबर है और मॉडल नंबर है FM 16 LED प्राइम, और बस कुछ नहीं है इसमें। पावर ओवर लिखा हुआ है, कितना पावर मिलता है, बस यही है आपका मॉनिटर। यहाँ पर जो बुलबुला है इसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा हुआ है, प्लास्टिक के अंदर हवा घुस गया है इसलिए ये सब फूला हुआ है। ये नीचे वीडियो में कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर।